हम इस कोर्स सीरीज में FSSAI एक्ट 2006 कवर कर रहे हैं। सो ये जो कोर्स सीरीज है ये स्पेशली फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के लिए मैंने यहाँ पे प्रिपेयर की है, और इस कोर्स सीरीज का जो है चैप्टर सेकंड हम FSSAI एक्ट का कवर कर रहे हैं। सो इसके इस चैप्टर में हम अबाउट FSSAI जो कि है रीड कर रहे हैं। FSSAI क्या है, इसके अंदर कितने कौन है चेयरपर्सन इसका, इसके फूड अथॉरिटी कौन है, साइंटिफिक कमिटीज कौन है, राइट। सो ये सब हम इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। सो गाइस आज हम यहाँ पे सेक्शन 13 और सेक्शन 14 इस चैप्टर सेकंड का हम कवर करने वाले हैं। सो इसमें हम साइंटिफिक पैनल्स एंड साइंटिफिक कमिटी के बारे में बात करेंगे। एज यू ऑल नो कि लास्ट क्लास में और या फिर उससे प्रीवियस क्लास में वी हैड कम अक्रॉस दिस टर्म्स, दैट इज साइंटिफिक पैनल्स एंड साइंटिफिक कमिटी। सो टुडे वी विल कवर इन डिटेल्स व्हाट आर दिस साइंटिफिक पैनल्स एंड व्हाट आर दिस साइंटिफिक कमिटीज। एंड गाइज अगर आप लोगों ने मेरी कोई भी वीडियो मिस कर दी है यहाँ पे तो यू नीड नॉट टू वरी, मैंने अपनी सभी वीडियोस के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो अगर किसी स्टूडेंट ने मिस की है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारी वीडियोस जो कि है सीरीज वाइज लेक्चर वाइज फ्रॉम वीडियो 1 to till date आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। सो गाइस सेक्शन 13 से स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द साइंटिफिक पैनल्स, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज पे अटेंशन। सो साइंटिफिक पैनल क्या है, सो द फूड अथॉरिटी शैल एस्टेब्लिश साइंटिफिक पैनल्स विच शैल कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स। सो गाइस यहाँ पे प्लीज पे अटेंशन बिटवीन द लाइन्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फूड अथॉरिटी ही साइंटिफिक पैनल्स को एस्टेब्लिश करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं एस्टेब्लिश करेगी। जैसे कि हमने कल भी देखा था कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी को फूड अथॉरिटी ही एस्टेब्लिश करती है। अगर आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो मिस कर दी है तो राइट हैंड साइड पे आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो पे दोबारा आ सकते हैं फॉर कंटिन्यूएशन। सो फूड अथॉरिटी को जो है वो ही साइंटिफिक पैनल को नियुक्त करेगी, एस्टेब्लिश करेगी, विच शैल कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स। मींस इसके अंदर फूड अथॉरिटी का कोई भी मेंबर या फिर कोई भी एम्प्लॉय नहीं रहेगा, ये सभी इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स रहेंगे, राइट। सो सबसेक्शन 2, साइंटिफिक पैनल शैल इन्वाइट द रेलेवेंट इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इट्स डेलिब्रेशंस। सो जितनी भी मीटिंग्स कंडक्ट करेगा ये साइंटिफिक पैनल, सो उसके उन मीटिंग्स में ये एक तो रेलेवेंट इंडस्ट्री को, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेवरेज इंडस्ट्री के बारे में बात कर रही है, तो इस पैनल में डिस्कशन होने वाली है। सो बेवरेज इंडस्ट्री को बुलाएंगे और कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव्स तो रहेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है कंज्यूमर के पास आने वाला है। सो रेलेवेंट इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव्स को ये इस मीटिंग्स में अपने जो कि है पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। सो सबसेक्शन 3, फूड अथॉरिटी मे एस्टेब्लिश एज मैनी साइंटिफिक पैनल्स एज इट कंसिडर नेसेसरी इन एडिशन टू द पैनल जोन। सो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की जो कि है जरूरत है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा है फूड अथॉरिटी कैन एस्टेब्लिश एनी नंबर ऑफ साइंटिफिक पैनल्स, इसमें कोई लिमिट नहीं है, बट इन एडिशन टू दीज पैनल्स। सो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि कितने पैनल्स ऑलरेडी हैं और इसके ऊपर साइंटिफिक फूड अथॉरिटी अगर चाहे तो मैक्सिमम पैनल जितने मर्जी बना सकती है। सो एट प्रेजेंट द साइंटिफिक पैनल्स विच आर प्रेजेंट आर पैनल्स ऑन फूड एडिटिव्स, ए पॉइंट अगर आप देखोगे तो फूड एडिटिव्स, फ्लेवरिंग्स, प्रोसेसिंग एड्स एंड मटेरियल इन कंटेक्ट ऑफ फूड। सो फूड एडिटिव्स जितने भी फूड में यूज होते हैं उसके स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए साइंटिफिक पैनल है। फ्लेवरिंग क्या यूज होता है, नेचुरल फ्लेवरिंग या केमिकल फ्लेवरिंग, उसके लिए साइंटिफिक पैनल है। प्रोसेसिंग एड्स क्या फूड में यूज करनी है, उसके लिए गाइडलाइन सेट करने के लिए साइंटिफिक पैनल है। एंड मटेरियल्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ फूड मीन्स पैकेजिंग मटेरियल, यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल की बात हो रही है, जितना भी मटेरियल पैकेज फूड को पैक करने के लिए लगेगा, सो उसके लिए भी साइंटिफिक गाइडलाइंस यहाँ पे सेट की गई हैं। सो दीज आर सेट बाय ऑल दिस साइंटिफिक पैनल्स, राइट। आई होप इट्स क्लियर गाइज, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को बता दीजिए, राइट। सो पॉइंट बी पे अगर आप देखोगे तो फूड अथॉरिटी हैज ऑल्सो सेटअप साइंटिफिक पैनल्स ऑन पेस्टिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक रेसिड्यूज। यस ये भी एक मेजर जो कि
फूड रिलेटेड एक जो प्रॉब्लम है पेस्टिसाइड और एंटीबायोटिक रेसिड्यूज का, सो इसके लिए भी साइंटिफिक पैनल बनाया है। एंड थर्ड पॉइंट, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड फूड। सो आपको पता होगा कि इंडिया में जो कि है GMOs को अभी परमिशन नहीं है, सो इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और अगर फूड या फिर उसमें ऑर्गेनिज्म जैसे यूज किए जाते हैं सो उसके लिए भी एक साइंटिफिक पैनल बनाया है। सो अगर आप डीप पॉइंट देखोगे तो फंक्शनल फूड, न्यूट्रासूटिकल्स, डाइटिक प्रोडक्ट्स एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स, इन सब के लिए भी एक साइंटिफिक पैनल है। बायोलॉजिकल हैजर्ड, कंटेमिनेंट्स इन फूड, देन लेबलिंग एंड लास्ट पॉइंट मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। सो प्लीज गाइज, इन सभी ए से लेके एच तक सभी साइंटिफिक पैनल्स का यू शुड रिमेंबर द नेम, सो डैट इफ इन केस एग्जाम में इफ दे आस्क कि साइंटिफिक पैनल्स, कितने साइंटिफिक पैनल्स एट प्रेजेंट हैं फूड अथॉरिटी में, सो यू कैन इजिली मैंशन, राइट? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन 14, साइंटिफिक कमिटी। सो अब हम साइंटिफिक कमिटी के बारे में बात करेंगे। सो गाइज, अगर आपने नोट किया होगा कि सेक्शन 13 वॉज अबाउट साइंटिफिक पैनल्स, इट इज अ प्लूरल टर्म, पैनल्स मीन्स कितने भी पैनल्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन सेक्शन 14 इज साइंटिफिक कमिटी, मीन्स एक ही कमिटी बनने वाली है। सो जस्ट पे अटेंशन ऑन द वर्ड्स। सो यहाँ पे सेक्शन 14 हम साइंटिफिक कमिटी की कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, इसके फंक्शंस क्या है, राइट? सो सब सेक्शन 1 अगर आप देखोगे तो फूड अथॉरिटी शैल कॉन्स्टिट्यूट साइंटिफिक कमिटी। सो यहाँ पे साइंटिफिक कमिटी को भी जो एस्टेब्लिश करने की बॉडी है वो फूड अथॉरिटी है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। एंड इट शैल कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे कंपोजिशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, देखिए फर्स्ट बुलेट, द चेयरपर्सन ऑफ ऑल द साइंटिफिक पैनल। सो जो हमने सेक्शन 13 में साइंटिफिक पैनल्स देखे, ए टू एच तक साइंटिफिक पैनल्स देखे, सो उनके हर पैनल का एक चेयरपर्सन रहेगा। सो उन सभी 7 या 8 साइंटिफिक जो पैनल्स के चेयरपर्सन है वो सभी मेंबर रहेंगे साइंटिफिक कमेटी के। मैं उनके मेंबर्स की बात नहीं कर रहा, ओनली द चेयरपर्सन ऑफ दो साइंटिफिक पैनल्स वुड बी द मेंबर ऑफ द साइंटिफिक कमेटी अलोंग विद, सेकंड अगर आप पॉइंट देखोगे, 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स नॉट बिलोंगिंग टू और एफिलेटेड टू एनी साइंटिफिक पैनल्स। सो यहाँ पे क्लियर कर दिया है, चेयरपर्सन ऑफ साइंटिफिक पैनल्स के अलावा 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स जो कि बाहर से अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो कि इनवाइट किए जाएंगे टू फॉर्म द साइंटिफिक कमिटी। आई होप इट्स क्लियर, ओके। देन सेकंड सबसेक्शन अगर आप देखोगे, द साइंटिफिक कमिटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसेक्शन 2, 3, 4, 5 ये सभी 5 सेक्शंस में यहाँ पे हम फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। सब ये जो साइंटिफिक कमिटी है इनके फंक्शंस क्या है, सो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखो, प्रोवाइडिंग दी साइंटिफिक ओपिनियन टू दी फूड अथॉरिटी। सो यहाँ पे आपको साइंटिफिक कमेटी के नाम से ही समझ आना चाहिए कि यहाँ पे फूड अथॉरिटी को साइंटिफिक ओपिनियंस देने वाली है ऑन एनी मैटर रिलेटिंग टू एनी आर्टिकल ऑफ फूड, राइट? सो सेकंड पॉइंट, शेल हैव द पावर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक हियरिंग्स। सो इन केस ऑफ एनी हेल्थ हैजर्ड ब्रेकडाउन, सो दे ऑल्सो हैव द पावर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक हियरिंग्स, मीन्स दे कैन लिसन टू द मैटर्स ऑफ द पब्लिक एंड फॉर्म साइंटिफिक गाइडलाइंस इन अकॉर्डेंस विद those problems, right? So next, subsection 3 अगर आप देखोगे, scientific committee shall be responsible for, so food authority को opinion देने के अलावा इसके बाकी जो functions हैं वो है general coordination necessary to ensure consistency of scientific opinion in particular with regards to adoption of work procedures and harmonization of working methods of scientific panel. So यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दूसरा इसका जो major function है, इट एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर, मीन्स इसको कोऑर्डिनेशन करना है सो डेट जो कि है कंसिस्टेंस विदाउट एनी डिले साइंटिफिक ओपिनियन, साइंटिफिक जो कि ओपिनियन है वो फूड अथॉरिटी को प्रोवाइड किया जा सके इन अ कंसिस्टेंट मैनर विदाउट एनी गैप, राइट? सो ये इसका मेजर फंक्शन है। एंड इन पर्टिकुलर विद रिगार्ड्स टू अडॉप्शन ऑफ वर्क प्रोसीजर, मीन्स फूड अथॉरिटी को अपना वर्क प्रोसीजर क्या लेना चाहिए, एज वी नो कि हमने देखा था कि वर्क प्रोग्राम यहाँ पे फूड अथॉरिटी का बनाया जाता है, राइट, बाय सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी। सो यहाँ पे साइंटिफिक कमिटी भी फूड अथॉरिटी को क्या वर्क प्रोग्राम अडॉप्ट करना है, उसका वर्क प्रोसीजर क्या रहेगा, उसके लिए यहाँ पे ओपिनियन देगा। एंड फर्दर सेकंड बुलेट, हार्मोनाइजेशन ऑफ वर्किंग मेथड्स ऑफ साइंटिफिक पैनल। सो साइंटिफिक पैनल्स जो भी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं सो डेट दे कैन हार्मोनाइज, मीन्स दे कैन कोऑर्डिनेट, दे कैन पूल इन द नॉलेज, सो सभी एक साथ मिलके यहाँ पे हार्मोनाइजेशन में काम कर सकते हैं। सो सबसेक्शन 4,
साइंटिफिक कमिटी शैल प्रोवाइड ओपिनियंस ऑन, सो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखोगे इट वुड ऑल्सो प्रोवाइड ओपिनियन ऑन मल्टी सेक्टोरल इशूज फॉलोइंग विद द कॉम्पिटेंसी ऑफ मोर देन वन साइंटिफिक पैनल. एज यू ऑल नो वी हैव 7 to 8 साइंटिफिक पैनल एट द प्रेजेंट. सो अगर कोई भी टॉपिक ओवरलैप होता है किसी भी साइंटिफिक पैनल्स में, सो यहाँ पे साइंटिफिक कमिटी शैल कम इन टू प्ले. ओके, सेकेंड पॉइंट अगर आप देखोगे ऑन इश्यूज विच डू नॉट फॉल विद इन द कॉम्पिटेंसी ऑफ एनी साइंटिफिक पैनल. सो जा तो वो कोई मैटर, फॉर एग्जाम्पल फूड हैजर्ड है, फूड हैजर्ड का मैटर वो दो साइंटिफिक पैनल्स के अंडर या फिर दो साइंटिफिक पैनल के कॉम्पिटेंसी के अंडर आ रहा है. सो उसके और उनको कन्फ्यूजन है कि कौन सा साइंटिफिक पैनल इसे हैंडल, इस मैटर को हैंडल करेगा. सो इन दैट टाइम साइंटिफिक कमिटी विल कम इन टू प्ले. और अगर कोई ऐसा इशू है जो किसी भी साइंटिफिक कमेटी के अंडर नहीं आता, मींस उसकी साइंटिफिक पैनल के अंडर नहीं आता, मींस उसका साइंटिफिक पैनल अभी तक बना ही नहीं है, सो तब जो कि है साइंटिफिक कमेटी विल कम इन टू प्ले. नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो उसमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी. सो वेन एवर नेसेसरी एंड पर्टिकुलरली इन केस सब्जेक्ट टू विच डू नॉट फॉल विद इन द कॉम्पिटेंसी ऑफ एनी साइंटिफिक पैनल. सो देखिए यहाँ पे हमने देखा था स्टार्टिंग में कि फूड अथॉरिटी जितने मर्जी चाहे साइंटिफिक पैनल बना सकती है, लेकिन कोई अर्जेंसी ऐसी आ गई है डेट वी नीड एन इमीडिएट सॉल्यूशन टू इट, सो उसके लिए साइंटिफिक पैनल यहां पे बनाने की जरूरत नहीं है. साइंटिफिक कमेटी क्या करेगी, फर्स्ट बुलेट अगर आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट, अ वर्किंग ग्रुप्स, एक वर्किंग ग्रुप बनाएगी इन सच केसेस एंड इट शैल ड्रॉ ऑन